अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे कॉफी के बारे में। ये इसको बताना और इसको पढ़ाना मेरे लिए जाती तौर पर बड़ा खास है, क्योंकि मुझे कॉफी बनाना और उसको पीना, खास तौर पर कॉफी को बनाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। कॉफी एक ऐसा मशरूब है जो बहुत सारी किस्मों में पाया जाता है। आप ने देखा होगा आमतौर पर ये एक गर्म मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कॉफी गर्म होती है, ये गर्म चाय की तरह बनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कॉफी की बहुत सारी इकसाम है जो ठंडी कॉफी के तौर पर इस्तेमाल होती है। कॉफी में अलग अलग किस्म के कंपोनेंट्स, अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स मिलाकर अलग अलग किस्म की कॉफीज बनाई जाती है। जैसा कि अगर हम कॉफी में चॉकलेट डाल दें तो ये बन जाएगी चॉकलेट कॉफी, लेकिन असल में जो कॉफी है उसका ताल्लुक एक फ्रूट के साथ है। कॉफी के प्यारे से दरख्त होते हैं और ये दरख्त चाय के पौधों की तरह ढलवानों पे लगते हैं। एक दरख्त पूरा साल लगा के इतनी कॉफी बना पाता है जो सिर्फ आधा किलो का पैकेट भरती है। इसलिए जो कॉफी है वो चाय की निस्बत काफी ज्यादा महंगी होती है। कॉफी जो है ये जिस दरख्त से आती है उसके फ्रूट में मौजूद उस फ्रूट को प्रोसेस करते हैं, जिसके नतीजे में उस फ्रूट में से कॉफी के बीन्स हासिल किए जाते हैं। कॉफी के बीन्स को ड्राई कर लिया जाता है और इसको रोस्ट कर लिया जाता है। ये ड्राइड और रोस्ट बीन्स ऑफ कॉफी फिर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं दूसरे मुल्कों में, उनको फरोख्त कर दिया जाता है। कॉफी को कैसे प्रोसेस किया जाएगा और कॉफी को कितना रोस्ट किया जाएगा, ये चीज फैसला करती है कि कॉफी का फ्लेवर कैसा होगा। कॉफी की आपने बहुत सारी किस्में सुनी होंगी, लेकिन जितनी भी किस्में आपने कॉफी की सुनी है, बुनियादी तौर पर ये दो किस्म की कॉफी से आती है। इसकी दो किस्म की जो है वो दो अकसाम होती हैं। पहली किस्म की कॉफी को बोलते हैं अरेबिका, और ये वो कॉफी है जो आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाई जाती है। दूसरी किस्म की जो कॉफी है उसे बोलते हैं रोबस्टा, ये वो कॉफी है जो अफ्रीका में पाई जाती है। कॉफी आमतौर पर गर्म इलाकों में पाई जाती है और वहां पर ग्रो की जाती है, लेकिन अब इसको छोटे छोटे दूसरी जगहों पर भी, दूसरे ठंडे ममालिक में भी ग्रो किया जाता है महदूद पैमाने के ऊपर और मखसूस तरीकों के साथ। कॉफी को अलग अलग किस्म का बनाने में सबसे अहम किरदार उसके इंग्रीडियंट्स हैं। अगर आप कॉफी में चीनी मिक्स करते हैं, उसमें दूध मिक्स करते हैं, तो ये एक आम किस्म की कॉफी इसे आम किस्म की कॉफी कहा जाता है। अगर आप कॉफी के बीन्स को, जो कि रोस्टेड बीन्स हैं, अगर आप उसको पीस लें और उसमें पानी डालकर उसको उबालें तो जो कॉफी मिलती है उसे कहते हैं ब्लैक कॉफी। अगर उसमें मुख्तलिफ इंग्रीडियंट्स मिलाते चले जाए तो अलग अलग किस्म की, बेशुमार किस्मों की कॉफी जो है वो बनाई जा सकती है। कॉफी के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे बोलते हैं कैफीन। ये केमिकल एक स्टिमुलेंट है, यानी कि ये हमारे दिमाग को एक्टिवेट करता है, इसको तेज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी कॉफी पी के आप बहुत ज्यादा स्मार्ट या चालाक बन सकते हैं, क्योंकि हर चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना जो है वो गलत है, लेकिन ये कैफीन एक स्टिमुलेंट है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि कॉफी पीने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं या उनको नींद नहीं आती, वो इसी स्टिमुलेंट की वजह से है। इसी तरह का स्टिमुलेंट चाय में भी पाया जाता है और इस तरह के दूसरे मशरूबात में भी होता है। कॉफी के बारे में आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसके बारे में मजीद जानते रहिए और इस इल्म को सीखिए और इसको सिखाइए। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।